टोटल एक्टिव केस बढ़े हैं। पिछले कुछ समय से कोविड के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। टोटल केस 540 हो गया, यस्टरडे 140 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले कल ही 140 केसेस की रिपोर्ट आई है। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए, और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी स्थिति नियंत्रण में है। और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए, और अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। और हमारे रिपोर्टर राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सीएम ने यह भी कहा है कि आप जो है एहतियात बरतें, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। राजेंद्र, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण में अचानक से उछाल मामलों में आया है और 200 से अधिक एक्टिव केस हो रहे हैं। एक दिन में 200 से अधिक मामले आ रहे हैं। ये स्थिति चिंताजनक है, और ये स्थिति तब होती थी जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पीक पे होती थी और हिमाचल प्रदेश में स्थिति चिंताजनक थी। लेकिन अब अचानक से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, ये काफ़ी चिंताजनक है। और जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई है। इसके अलावा हॉस्पिटलाइज जो लोग हैं वो काफ़ी कम है, पेशेंट हैं। ये थोड़ी राहत की बात है कि कोरोना संक्रमण ज़रूर फैल रहा है, लेकिन इतना गंभीर नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़े। 8 के करीब जो पेशेंट है वो कोरोना संक्रमण से पीड़ित है और अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी बेहतर है, रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो ऐसे में पिछले कल भी हमने देखा कि 70 से अधिक लोगों की रिकवरी हुई है कोरोना संक्रमण से, तो ये रेट भी काफ़ी अच्छा। जो डिस्चार्ज अस्पतालों से हो रहे हैं उनकी संख्या भी काफी। तो राजेंद्र, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, क्या लोगों में अब यह समझ फिर से आ रही है कि वो एहतियात बरतें, मास्क पहने, दूरी अपनाएं, या फिर ये कि लोगों को अब ये लग रहा है कि कोरोना अगर हो भी गया है तो रिकवरी तेजी से हो जा रही है, डरने की बात नहीं है? आप क्या देख पा रहे हैं लोगों के बीच, किस तरह की सेंसिटिविटी है? दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग प्रिकॉशन बरत रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थान पर है वहाँ पर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग कर रहे हैं, और जो प्रिकॉशंस कोरोना संक्रमण से बचाव के उनका प्रयोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक हो रहा है। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे अस्पताल हम कहें, वहाँ